जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पे रूपी के एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.3 की रेटिंग है भाई, 5 लाख से ज्यादा रिव्यूज है और 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। ठीक है, तो देखने में तो बिल्कुल भाई रियल एप्लीकेशन लगती है, रियल एप्लीकेशन भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेक एप्लीकेशन है, एनबीएफसी अप्रूव्ड नहीं है, एनबीएफसी अप्रूव्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। लेकिन ना, ये आरबीआई से रजिस्टर्ड होके भी अगर यहाँ से आप लोन लेने की सोच रहे हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि यार ये आरबीआई अप्रूव तो है, लेकिन इन्होंने बड़ा जुगाड़ से अपना आरबीआई से अप्रूव कराया है। मतलब जुगाड़ क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें, इंटरफेस देख सकते हो भाई, अच्छी एप्लीकेशन लगती है देखने में। लगता है कि भाई यूजर इंटरफेस है, अच्छी है भाई, मतलब इजी टू यूज है। ठीक है, आप इजीली यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पड़ते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी एक सेल्फी, ऑक्यूपेशन डिटेल, मतलब पूरी आपको डिटेल यहाँ पे भाई फिल करनी है। ठीक है, फिल करने के बाद जब आपने पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी ना, आपको 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का ऐसे लोन दिखा देगा कंप्यूटर वाइज। मतलब मिलेगा या नहीं उसकी मैं आपको चीज बताता हूँ। होगा क्या, सारी चीजें टिक मार्क होती जाएंगी। जैसे आपने अपनी सेल्फी अपलोड करी, आधार कार्ड अपलोड किया, एड्रेस किया, तो यहाँ पे लिखेगा चलो आपका जी आधार कार्ड अप्रूव हो गया भाई, वेरीफाई हो गया, सब ऐसे करके टिक मार्क होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये आपका लोन अप्रूव कर देंगे। मतलब दिखेगा कि आप लोन आपका अप्रूव हो गया, उसको आप भाई क्लिक करोगे विड्रो पे तो दिखाई देगा आपका जो ऑडिट है वो 45 मिनट में या 1 घंटे में अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं आपको रिव्यूज भी दिखा देता हूँ। रिव्यूज में भी लिखा हुआ है, होता क्या है कि भाई कई देर में भाई 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं, मतलब काफी देर हो जाती है लेकिन लोन अप्रूव नहीं होता। ठीक है, 4-5 घंटे वेट करने के बाद जो आपका लोन होता है वो ऑडिट होता है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कई लोग के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोन प्रोवाइड नहीं करते, उस पर भी अपन आएंगे। लेकिन पहली चीज ये भाई, अगर यहाँ से आप एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये आपको इश्यू यहाँ पे देखने को मिल सकता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, अगर हुआ हो तो हम लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, पहला इशू तो ये हो गया। दूसरा, इस एप्लीकेशन का एक ये झोल है, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आरबीआई से अप्रूव तो है लेकिन बड़ी जुगाड़ से। अब जुगाड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, इस एप्लीकेशन में सीन क्या है, आपको सपोज करते हैं भाई 5,000 का लोन मिल गया। ठीक है, और उसका टेन्योर आपको 40 दिन का मिल गया भाई, मतलब 40 दिन के लगभग आपको टेन्योर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हर 14 दिन के बाद इसकी रीपेमेंट आपको करनी पड़ती है एक किस्त की। जैसे 5,000 है तो उसकी एक एक किस्त करके आपको भाई किस्त करके यहाँ पे रीपे करना पड़ेगा, ईएमआई को भाई रीपे करना पड़ेगा। अब होगा क्या, 14 डेज का टाइम मिल रहा है भाई। आरबीआई की रेगुलेशन के भाई रूल के खिलाफ क्या चीज है कि आप 7 दिन का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, 14 दिन का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने जुगाड़ क्या कर दिया भाई साहब, इन्होंने कर दिया कि भाई देखो हम आपसे पूरा लोन नहीं ना मांग रहे, छोटी छोटी ईएमआई मांग रहे हैं, 14 दिन के बाद एक ईएमआई दे दो, फिर एक ईएमआई दे दो, 3 ईएमआई भर दो, 2 ईएमआई भर दो, उसके बाद आपका लोन क्लियर हो जाएगा। तो होगा क्या भाई, 40 डेज के ऊपर हो गए, आरबीआई की रेगुलेशन भाई जो रूल है उसको भी फॉलो कर लिया और आपके साथ इन्होंने एक काफी ज्यादा स्कैम भी कर लिया, मतलब आपकी मजबूरी का फायदा भी उठा लिया। अब क्या मजबूरी का फायदा उठा लिया, इंस्टेंट लोन तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपको सर्विस चार्ज और जीएसटी के नाम से लूटा जाएगा। जीएसटी तो कम लगेगी लेकिन जो सर्विस चार्ज लगेगा ना, 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए एक किस्त में भाई, मतलब आपकी ईएमआई समझो 2000 किया तो 600 रुपए अलग से लेंगे और कहते हैं हम इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो सपोज करते हैं आपने 5,000 लिया था, ठीक है, 5,000 आपने लिया था, 5,000 का आपको भाई 40% तक का इंटरेस्ट रेट लगेगा, मतलब आपको 7,000 रुपए देने पड़ेंगे भाई 5,000 के, वो भी 40 दिन के अंतर्गत भाई, 40 हो गया 30 दिन, जितना आपका ईएमआई बनेगा उसके अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। आरबीआई अप्रूव्ड है एप्लीकेशन। अब मैंने आपका आपको क्विक रिव्यू इस एप्लीकेशन का बता दिया है। पहले मेरे को ये लगता था एप्लीकेशन अच्छी है, लेकिन जब मैं इसकी डेप्थ में रिव्यू किया इसके बारे में, तो मैंने कहा भाई एप्लीकेशन है तो बहुत खतरनाक स्कीम लगाई है। और एक और चीज होती है, देखो एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि आप देखो आपको लोन तो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है भाई आप लोगों को लोन दे रहे हो, लेकिन लूटो तो मत ना भाई, किसी की मजबूरी का फायदा तो मत उठाओ ना कि भाई इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले लो। और अगर यहां से आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो आपको कॉल करके हरासमेंट किया जाएगा, बहुत ज्यादा ये परेशान करते हैं। और जब आपका लोन भाई मान लो आपने क्लियर भी कर दिया, कई बार ऐसा भी होता है कि ये सिविल में अपडेट नहीं होता और आपका लोन भाई एक्टिव ही रहता है, मतलब आपने तो लोन क्लोज कर दिया था लेकिन वो एक्टिव ही रहता है सिविल स्कोर में। अलग आप बोल रहे होंगे भाई तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो भाई देखो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको कोई अच्छी और एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा, मनी व्यू, क्रेडिट भी काफी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है, नवी एप्लीकेशन है, अगर वहां से आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आप यहां से ले सकते हो। भाई देखो मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोग, तो भाई एप्लीकेशन वाले भी उठा रहे हैं, तो यही बात है। जैसे आप किसी से भाई पर्सनल लोन लेने जाओगे तो वहां पे यार रिश्तेदारों से
मांगने जाओगे तो थोड़ा सा आपको अलग फील होता है, तो इससे अच्छा आप यहाँ से ले सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है भाई, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप कैपेबल हो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाऊंगा 40% का भाई 50% का, तो ले सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इस पे क्या कहता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और इनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है ना इस एप्लीकेशन के रिलेटेड या कोई और भी एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं और आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।